कुमकुम भरे कदमों से आए माँ दुर्गा आपके द्वार, सुख संपत्ति मिले आपको अपार, यही है माँ दुर्गा से पुकार। दोस्तों, माना जाता है इस जगत की समस्त शक्तियों का स्रोत माता आदि शक्ति है। नवरात्रि में हम माता भगवती के 9 रूपों की आराधना करते हैं। माँ के 9 रूपों से हमें जीवन किस प्रकार जीना है इसकी प्रेरणा मिलती है। आज के वीडियो में मैं राहुल माता के 9 स्वरूपों से हमें क्या सीख मिलती है बताऊंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। माता का पहला स्वरूप माता शैल्यपुत्री। शैल्यपुत्री देवी भगवान शिव के सामने जिद कर अपने पिता प्रेम में आकर बिना निमंत्रण यज्ञ में गई थी, परंतु वहां जाकर जब उन्हें अपने पिता से अपना और अपने पति का अपमान होता दिखता है, तो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए तुरंत यज्ञ में जाकर अपने जीवन का त्याग कर दिया। माँ दुर्गा के इस रूप से हमें स्वाभिमानी बनने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही यह भी सीखने को मिलता है कि कभी किसी के प्रेम में खुद को झुकने नहीं देना चाहिए। माता का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता। ब्रह्मचारिणी माँ तपस्या की प्रतीक है। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता ने कठोर तप किया, हर प्रकार के कष्ट सहने के बाद भी अपने निश्चय को दृढ़ रखा और अंत में शिव को प्रसन्न कर उन्हें अपने पति रूप में प्राप्त किया। ब्रह्मचारिणी माँ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति में चाहे जितनी बाधाएं आए, लेकिन हमको कभी अपने लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। लगातार अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करने से हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। माता का तीसरा स्वरूप माता चंद्र घंटा। माँ चंद्र घंटा का अवतार आसुरी शक्तियों के अंत के लिए हुआ था। माँ के चेहरे पर मंद मुस्कान रहती है, परंतु असुरों के आते ही माँ भयानक रूप धारण कर उन्हें भयभीत कर देती है। माँ के इस रूप से हम भक्तों को यही संदेश मिलता है कि संसार में हमेशा खुशी खुशी जीवन यापन करना चाहिए, लेकिन अगर कोई आप पर या आपके प्रियजनों पर कुदृष्टि रखता है तो उसका विनाश कर देना चाहिए। माता का चौथा स्वरूप माता कुष्मांडा। कुष्मांडा माँ को ब्रह्मांड का रचयिता कहा जाता है। प्रकृति जीवन सभी माँ की ऊर्जा से ही संचालित होता है। माँ हमें इस स्वरूप से संसार में स्त्री का महत्व समझाती है। स्त्री से ही संसार की रचना होती है, उनसे ही संसार की अन्य शक्तियाँ उत्पन्न होती है, लेकिन संसार उन्हें कमजोर समझता है। माता इस रूप से स्त्री क्षमता संसार को बताती है। माता का पांचवा स्वरूप स्कंद माता। स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ पार्वती को स्कंद माता नाम मिला है। कार्तिकेय शिव और पार्वती के पुत्र हैं। वो देवताओं के सेनापति हैं और बहुत ज्ञानी भी हैं। उन्हें यह ज्ञान अपनी माँ से प्राप्त होता है। कहा जाता है महाकवि कालिदास पर भी स्कंद माता की कृपा थी। माता का यह रूप हमें बताता है स्त्री हो या पुरुष, ज्ञान प्राप्त करने का सबको अधिकार होता है। माता का छठवां स्वरूप माता कात्यायनी। एक महान ऋषि थे कात्यायन। उन्होंने माता आदि शक्ति की तपस्या की और पुत्री रूप में उन्हें प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। माँ ने ऋषि के पुत्री के रूप में जन्म लिया। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण उन्हें कात्यायनी कहा गया है। यह रूप घर परिवार में बेटी का महत्व बताती है। माता का सातवां स्वरूप माता कालरात्रि है। जब जब संसार में पाप बढ़ता है, आसुरी शक्ति का आतंक बढ़ता है, तब तब कालरात्रि प्रकट होती है। माँ का यह रूप बहुत ही रौद्र होता है। माता अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाती है। माता का यह रूप संसार को स्त्री के भीतर विद्यमान अपार शक्ति का भान करवाती है। माता का आठवां स्वरूप माता महागौरी। महागौरी रूप बहुत ही शांत और सौम्य होता है। माता का यह रूप ममतामयी होता है। माँ का यह रूप हमें हर परिस्थिति में संयमित रहने की सीख देता है। विकट से विकट परिस्थितियों में भी संयमित रहने से समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाता है। माता का नौवां स्वरूप है सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री यानी हर सिद्धि को देने वाली। माता का यह रूप हर मनोकामना को पूर्ण करती है। माता इस रूप में परिहित को महत्व देती है। यह रूप हमें परिवार और समाज कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहना सिखाती है, क्योंकि परहित की भावना ही हमें जीवन में खुशहाल बनाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि
माता के 900 रूपों से मिले सीख को अपने जीवन में उतार कर इस बार की नवरात्रि को आप और हम मिलकर विशेष बनाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दे। मैं राहुल जल्दी मिलूंगा आपसे माता की एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।